गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रपांति, आज फिर आपके लिए। आज है 27th ऑफ जून, सैटरडे। तो अभी सुबह 9 बजे है, मैंने नहा लिया, रेडी हो गई, पूजा दे दिया। अब भी हम जाएंगे क्यूनिगस्टाइन। क्यूनिगस्टाइन में मेरी सिस्टर रहती हैं, तो मुझे बहुत काम है। तो आज लिया मौसी के पास रहेंगे, तो मैं थोड़ी बहुत काम करूँगी, फिर हम लोग एक साथ लंच करेंगे, मैं और मेरी सिस्टर, और उसके बाद हम घर आएंगे। पापा के बहुत काम है, तो हम सोचे कि चलो मैं लिया को ले जाती हूँ, मेरे काम के मेरी वैसे ही काम है, तो लिया मौसी के साथ वैसे अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हो जाएंगे ऐसे ही। चलिए हम लोग साथ में जाते हैं। सो हम अब जा रहे हैं। ये देखिए मेरी प्रिंसेस लिया, हेलो बोले दाओ, दस साइन आउट हो सो हेलो, এখানে হ্যালো বলো, তোমার কই অটো দেখতে হবে না, বলো হ্যালো। লিয়াকে মুড ঠিক নেই, উসে সুপার সুপার উঠায়া না, ইসলিয়ে চলিয়ে যাতে হ্যায় সাথ মে। লিয়া চলো মা, লিয়া লিয়া বাবা আসো আসো আনছি। সুবহ সুবহ আপকো বেসে বহুত স্ট্রেস হ্যায়, টাইম নেই মিল রহে হ্যায়, फिर आपके लड़की या आपके बच्ची अगर उसमें और भी नखरा कर रहे तो कितना गुस्सा होता है। लिया रोने लग गई, मुझे जाना नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के कुछ देना है। मेरे सुबह लिया को रेडी करने में मेरी जो एनर्जी होता है वो आधे के ऊपर एनर्जी वहाँ पे ही चले जाते हैं। उसके ऊपर आप सोचिए कि बच्चे कुछ जो एनर्जी होता है वो मैं क्या करूँ उससे। चलिए फिर जाते हैं जल्दी जल्दी उसे छोड़ के मौसी के पास, मेरे काम भी निपटाना है, फिर हम लोग लंच में मिलेंगे एक साथ। चलिए बाय। ये आपको इतने सुबह सुबह उठाया, बेचारी सो गई है, देखिए। ओ माय शोना, मैं कितनी बुरी हूँ सच में, मेरे काम की वजह से मैंने लिया के इतना जल्दी जल्दी उठाया, नींद भी पूरी नहीं हुई है। वो हम लोग आ गए हैं मौसी के पास, अभी लिया रहेंगे और मैं काम पे जाऊंगी, फिर हम लोग लंच में मिलेंगे ना मामा। मामा हाजी तो शोराओ, हाजी तो शोराओ, हाजी शोराओ बिट मम्मी, सब हेलो हेलो, एक तो हेलो बोले दो आज के ना, लोला शोरी ठीक करे बोले, इरम भाभी हेलो बोले क्यों, একটা খুশি দিয়ে দাও আমাকে, একটা খুশি দিয়ে দাও সবাইকে, খুশি দিয়ে দাও মা, খুশি খুশি দিয়ে দাও। আপনি তোমার কোথায় লেগেছে গালে একটু দেখিয়ে দাও তো মা, এই খানটা এই খানটা তো লেগেছে, একটু গালটা ঘুরিয়ে দাও। ও লি ডাকো ডাকো সবাই, লিয়াকো কিতনি জোর সে চোট লাগি হ্যায়, কিউ লাগি হ্যায়, কিউকি লিয়া বহুত শান্ত হ্যায় না, বহুত क्या कहते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा है, लिया इतने चुपचाप है, शांत है, बहुत अच्छी बेबी है। सो लिया को हम लोग बांग्ला सिखा रहे हैं, देखिए माय द की मामा, ओके हाजी अस्मा, हाजी तो दी दो ना ना, सुना इट की माय इट की इट की इट फुल कॉपी ফুলকপি, ইয়া,
tough, Baba. मेरी सिस्टर अभी लंच प्रिपरेशन कर रही है। बिल्कुल ठीक नहीं है, आधी सोए उठे हैं, अभी आई हूँ मैं, गोद सही नहीं होता मेरा, बस नींद पूरी आँख में पूरी नींद है, बट क्या है इतना माइंड को देखती हूँ अब क्या होते हैं। भूख लगी है बहुत ज़ोर से, ये मेरी बहन खाना भी खाना स्टार्ट कर दी, बट मैं नहीं खा पा रही। पहले देखते हैं क्या है। 4 बज गए तब तक हम अभी लंच कर रहे हैं। बहुत जोर से भूख लगी है, 4 बज गए हैं, मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ। देखिए कितने सारे खाना है, और मेरे फेवरेट बने हैं फिश करी है। फिश तो हम लोग बंगाली बहुत पसंद करते हैं, और मेरी सिस्टर ऑथेंटिक बंगाली फूड बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाती है। हम लोग इतना ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि लिया सो जाए ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। ये है आलू गोभी की फ्राई, दाल, बैंगन भाजी तो देखा, और ये है फिश का लिया ना। सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं पाई, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। लिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो रोते ही लगे अभी गिर भी गए हैं नीचे, तो मैं थोड़ा एक्साइटेड थी, तो मुझे पता नहीं था कि क्या करूँ, और इतने रोए तो आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, तो हम अभी घर जा रहे हैं। है मामा दीच, तो मैं रखती हूँ लिया को, म्यूज़िक सुननी है, थोड़ा सा रोए ना ना। ओके बाय। देखिए आज जब मैं काम से बाहर आ रही थी ना, रास्ते में कोई ये बेच रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं क्या, खुद के गार्डन से फूल लेके वो बेचते हैं, तो मैंने एक बंडल खरीदा हमारे घर के लिए, मुझे बहुत पसंद है घर में फूल हो, तो आज पूजा में भी दूंगी, आज नहीं आज तो पूजा दे दी है, कल पूजा में इस फूल से ही दूंगी, मुझे बहुत पसंद है, और मेरे फेवरेट कलर भी है ये, इतनी प्यारी लग रही है ये। मैंने सोचा एक बार ऊपर से आपको दिखा दूँ, इतने सुंदर है ये। अभी टाइम हुआ 6:30, हम लोग घर आए हैं, मैंने वो पहले फूल रेडी कर दिया वरना ख़राब हो जाएंगे, और अभी मैं मेरी बड़ी बेटी को खाना दे रही हूँ, वेट कर रही है, पहले रॉक्सी को खाना खिला के फिर लिया को रेडी करूँगी, फिर लिया की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, बहुत रोई है, वो गिर भी गए हैं, पैर में चोट भी लगे हैं, हल्का सा फीवर भी है, तो वो हम आज बहुत ही अलग मूड के हैं लिया, तो देखती हूँ क्या होता है। आज आपसे एक बात करनी है, आज बहुत बड़ा बैड न्यूज है मेरे लिए, मैं आपको बाद में मैं अभी हमारे डिनर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले डिनर खाएंगे उसके बाद मैं लिया को रेडी करूँगी, उसे भूख भी लगी है, तो जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हैं।
खा लिया डिनर हमने तो कर लिया था, आपको दिखाया आज डिनर बहुत हैवी हो गए हैं, लेकिन क्या करूँ मैंने वो चिकन बाहर कर दिया था इसलिए बना लिया। और लिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत रो रही है, बहुत थोड़ा सा हल्का फीवर भी है, तो मैंने मेडिसिन दिया, अभी ठीक है। पापा के पास बिठा के आई हूँ, वो बुक रीडिंग कर रही है, सोने जाएंगे। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, मैंने आज इतनी बात भी नहीं कर पाई लिया की वजह से। और जो मैंने कहा था मेरी एक बैड न्यूज़ है, ये है कि हमने पिछले साल हमारे वैकेशन प्लान कर लिया था, वैकेशन ऑलरेडी बुक कर दिया था, वो था अमेरिका राउंड टूर ना। हम लोग बहुत बार अमेरिका गए हैं, लेकिन हम कभी एलए में नहीं गए थे, सैन फ्रांसिस्को में नहीं गए थे, तो इस वक्त ये था कि हम लोग पूरे राउंड टूर करेंगे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम लोगों ने वो तो वो छुट्टी कैंसिल हो गई है, वो हमने वापस कर दिया, थोड़ा सा कैंसिलेशन चार्ज तो देना पड़ा। फिर हमने नए वैकेशन बुक किया नॉर्वे के लिए, 11 डेज क्रूज में। बैड न्यूज़ ये है कि आज हमें न्यूज़ मिला है कि हम लोग श्योर नहीं हैं कि वो ट्रिप हम कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि वो अभी भी 15 दिन बाद 15 को वो कंफर्मेशन देंगे कि वो टूर होंगे या नहीं होंगे कोरोना के वजह से। तो ये टूर तो हमने नया बुक किया। मेरी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्यों ये करते हो, क्यों प्रोवाइड करते हो, तो हमें आप पहले बुक नहीं करते थे अगर हमें पता चलता कि हम नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा दुखी हूँ कि यार एक इतना अच्छा टूर हमने कैंसिल कर दिया, फिर हमने एक टूर बुक किया वो भी पता नहीं कि वो होंगे या नहीं होंगे, मैं क्या कहूँ बताइए। और इतने काम पे बिजी रहते हो हम लोग, तो ये वैकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इतना खुश होती हूँ कि जाशा के लिए टाइम होता है हमारे लिए, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये वैकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये हमारे फैमिली के लिए कि हम एक साथ इतने दिन टाइम स्पेंड कर पाए ना, बिना काम के, बिना टेंशन के, बिना कुछ, बट वो भी पता नहीं कि अब होंगे या नहीं होंगे। तो आई होप कि वो होंगे ना, कि वो लोग हमें जाने दें। या यही है मेरी बैड न्यूज। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आई होप कि ये टूर हम कर पाए। तो आज हम हमारी ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं ज़्यादा देर तक लिया के साथ भी नहीं बात करूँगी, लिया को पास नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि वो मूड आज बहुत ही ख़राब है, तो मैं उसे पापा के साथ ही रहने देती हूँ, पापा के साथ वो बहुत खुश है। और हम आज बाय बोलते हैं, कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको तो पता है आपके लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, सी यू टुमारो। या अच्छे मामा सिस्टर, ठीक है छोटे, की होटे की ना पापा विल डॉक निशात एथिल माल व्हाट इज दैट पैसिएट Schatz. Yes, wer hat da einen Unfall gebaut? Komm, wir lesen mal vor. Mach mal, Schatz. Hä? Wo sind die Diebe? Wo sind die Diebe? Mama! Ja! Da sind die Diebe, genau. Wo ist die Bank? Wo ist die Bank, wo das Geld ist? Ja, das sind die Diebe, die haben das Geld geklaut. Wo ist die Bank? Da ist die Bank. Ja, das ist Geld der Bank. Wo ist der Zug? Wo ist der Mähdrescher? Wo ist der Traktor? Das ist falsch. Wo ist die Straßensperre? Straßensperre. Genau. Wo ist die? Wo ist da oben die Bank? Da ist die Bank. Da ist die Bank. Wo sind die Diebe? Kann man zeigen? Da ist vor die Polizei. Was ist das? Ist...
Wer ist das? Unfall passiert. Wer ist denn das? Ist ein Unfall passiert, Schatz? Oh, verletzt. Oh. Was ist da passiert? Erzähl mal. Hat die Mama mit einem Unfall gebaut? एक्सीडेंट हुआ था फिर एम्बुलेंस आए हैं सभी लेके गए हैं सब कुछ ना तो पापा ने ऐसे सिखाया मामा ने एक्सीडेंट किया और मामा को हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि मेरी एक गाड़ी के बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना मुझे भी ऐसे ही लेके गए थे एम्बुलेंस में वो क्या है Monster Kid.